नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सीधी में युवक से बदसलूकी मामले में कार्रवाई हुई है और आरोपी के घर राजस्व कर्मचारी पहुंचे हैं। अवैध अतिक्रमण की जांच अब शुरू कर दी गई है और घर के कागजों की जांच भी की जा रही है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा, ये भी बात सामने आ रही है। तो आरोपी के घर पर फिलहाल टीम पहुंची हुई है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए भी बात कही जा रही है। आरोपी के घर पर राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इससे पहले ही संकेत मिल रहे थे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, अब लगातार इस मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। घर के कागजों की जांच की जा रही है और साथ ही देखा जा रहा है अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए अगर नौबत आती है, जरूरत लगती है तो बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपी के घर पर राजस्व कर्मचारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी का घर जहां पर राजस्व कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए अगर जरूरत लगती है तो बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी, इससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। यानी कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के यहां पर टीम पहुंची हुई है। राजस्व कर्मचारी इस वक्त आरोपी के घर पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अब फिलहाल सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। आदर्श हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? राजस्व कर्मचारी आरोपी के घर पर पहुंच चुके हैं, कागजों की जांच की जा रही है। टीम पहुंची है जो कागजों की जांच कर रही है और यहां पर स्पॉट पर भारी पुलिस बल भी मौजूद कर दिया गया है। इससे तो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन भारी मात्रा में यहां स्पॉट पर भारी पुलिस बल मौजूद किया गया है। लेकिन आदर्श, अभी यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है और फिलहाल राजस्व कर्मचारी भी हैं, कागजों को देखा जा रहा है, कुछ अभी तक कमी पाई गई है क्या? जी, अभी तो प्रशासन के द्वारा भी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि क्या कमी है या कमी नहीं है। अभी प्रशासन के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। आरोपी के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद होंगे आदर्श, उनका इस पर क्या कहना है? उसमें उनके पिताजी का यह कहना है कि यदि हमारे बच्चा गलती किया है तो उसके सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उसमें जो वीडियो वायरल हुआ है चलिए आदर्श, मैं वापस आता हूँ आपके पास। रमाकांत शुक्ला हैं, आरोपी के पिता हैं, जिनके घर पर इस वक्त राजस्व कर्मचारी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। ये एक वीडियो सामने आया था और उसी वीडियो के आधार पर फिलहाल राजस्व कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं आपके घर पर। आपका कहना क्या है, क्या ये सब कुछ आपके बेटे ने किया? लगता है शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर राजस्व कर्मचारी की टीम फिलहाल यहां पर पहुंची हुई है। आरोपी के घर पर इस वक्त राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, कागजों की जांच इस वक्त की जा रही है, देखा जा रहा है। और ये पहले से ही निर्देशित था कि अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी के नेता इससे पहले